हेलो एवरीवन, आई एम कनिका एंड आई विल गिव यू जस्ट अबाउट एक्सटॉर्शन। इट इज अ मेंटल हैरेसमेंट। इन अदर वर्ड्स, इन सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी इट सेज दैट पर्सन इंटेंशनली पुट अनदर पर्सन इन अ सच मैनर इन अ सच हार्म दैट ही क्रिएट्स अ फियर अ थ्रेट और कॉज हिम एन इजरी और डिसिपेट पर्सुएड हिम सो दैट ही मे लिव द प्रॉपर्टी और एनी अदर गुड ऑन अनदर पर्सन ऑन एनी डॉक्यूमेंट साइंड एंड कैन बी टर्न इन अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। पनिशमेंट इज गिवन फॉर देन इन 384। मतलब कि कोई भी ऐसा कोई प्रेशर डालता है, थ्रेट डालता है या बंदूक रखता है या कुछ भी, तो आपको टॉर्चर करता है, मेंटल हैरेस करता है कि आप वो काम करो दूसरे बंदे का। इसके सब एसेंशियल्स होते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल फॉर इट? पहला, एन एक्ट विच कॉजेज इमिनेंट थ्रेट एंड इंजरी टू पर्सन। ये एक्ट एकदम से हार्म करता है और इंजरी पहुंचाता है, तो ज्यादा नहीं, मर्डर वर्डर नहीं, पर उससे कम। द एक्ट में से डन इंटेंशनली डिसाइडफुली, ये सोच से किया जाता है और प्लान किया जाता है। सच पर्सन इंटेंड्स टू कॉज इंजरी टू अनदर पर्सन सच वीक्स एंड सीक्स इंटरेस्ट। और दूसरा पर्सन इंजरी का कॉज हो भी जाते हैं, दूसरे पर्सन को इंटरेस्ट भी आ जाते हैं कि अब ये कुछ करने वाला है गलत। एन अनरियल फोर्स शुड बी शोन थ्रू विद अ पर्सन सीक्स टू टेक द प्रॉपर्टी और एनी अदर वैल्यूएबल गुड्स ऑफ अनदर पर्सन ऑफ आर एनी डॉक्यूमेंट। ये जो अनरीजनेबल फोर्स होता है वो पर्सन से प्रॉपर्टी और गुड्स के लिए ही किया जाता है। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं इंस्टेंसेस में कि जो पर्सन कमेंट करता है ऑफेंस, विच इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग पॉइंट्स आई हैव मेंशन अबव, आर ऑफेंस विच इज कमिटेड फॉर द एक्सटॉर्शन। एंड इंटेंशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। वी हैव स्टडीड सम आईपीसी एसेंशियल मेंसी एक्टर्स इन इंटेंशन। इंटेंशन इज वन ऑफ देम हियर, नॉट अदर देन। द ग्रेविटी सच डिसऑनेस्ट इंटेंशन अबाउट द फैक्ट्स एंड सर्कमटेंस ऑफ द केसेस। So if we go further, extortion in the IPC, it is whoever intentionally put a fear of injury any other person, dishonestly induces a person to deliver a person or any property, valuable security, anything or shield which can be valuable security is known as extortion or can be said as mental harassment. So we go further, what is the punishment for extortion? First, punishment regarding the offense. In 384, extortion is given. The IPC punishment extortion has been prescribed. Person committing such an offence shall be punished with imprisonment of 3 years or fine or both. Person placed while committing extortion where there is a fear he might get injured. जहाँ से extortion करा है वो 3 years की punishment होगी और fine होगा। जब पता लगा कि fear हुआ है और injury हुई है तो then the person can be in 385 section 2 years of fine or both he will commitment and such a crime another person of fear of injury। इधर इसने दो क्राइम किए हैं। उसके बाद थर्ड, पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन कमिटिंग थ्रू अ फियर इमिनेंट थ्रेट एंड लाइफ और सर्वर हर्ट। बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, इमिनेंट थ्रेट उसी टाइम सेक्शन 386 में इसकी पनिशमेंट दी है। कोई पर्सन कमिट करता है ऑफेंस फॉर एक्सटॉर्शन बाय पर्सनिंग द सेंस ऑफ फियर ऑफ इमिनेंट थ्रेट टू हिज लाइफ अमाउंट टू डेथ, मर जाता है इंसान या सर्वर हर्ट हो जाता है कि मरने वाला है, तो उसके 10 साल की पनिशमेंट है। क्योंकि यहाँ उसने फिर अब 3 क्राइम्स करे हैं। पनिशमेंट पुटिंग अ पर्सन फियर ऑफ डेथ अ सर्वल हर्ट एंड सोल पर्पज ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन। अब इतना करते हैं कि वो भी एक्सटॉर्शन करे, तो इसमें क्या होता है कि सोलो पर्पज ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन पुट अ सेंस टू पुट अनदर पर्सन इन सच अ पोजीशन देयर इज नो सेंस ऑफ फियर ऑफ डेथ। सेंस ऑफ फियर ऑफ डेथ सेवर हर्ट टू हिज बॉडी शैल बी पनिश फॉर एक्सपेरिमेंट फॉर 7 years एंड लाइबल टू फाइन। इधर यहाँ उसने 4 क्राइम्स करे। और हम जब लास्ट में आए तो व्हेन अ पर्सन कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल एंड डेथ ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ लाइफ। जब वो कमेंट करता है थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफेंस के लिए जो वो पनिशेबल है और जो डेथ हो जाती है और इंप्रिजनमेंट लाइफ मिल जाती है, तब क्या होता है, तब लाइफ रिव्यू पनिशमेंट होती है 10 ईयर्स की। पर्सन इज कैन बी टू ऑफेंस एंड लेबल टू पे द फाइन एंड अंडर 377 आरपीसी इट इज पनिश फॉर द पर्पसेस। द पर्सन वाइल कमेंटिंग द ऑफेंस एक्सटॉर्शन टेक द कंसेंट रॉन्गफुली। अपने पनिशमेंट डिवाइड कर लिया, एसेंशियल्स कर लिया, डेफिनेशन कर लिया, पर अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करें तो क्या होगा, द पर्सन वाइल कमेंटिंग द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन टेक द कंसेंट रॉन्गफुली। वो कंसेंट गलत लेता है, वैसे जो मार दो ऐसे मतलब बंदूक रख दो, दैट्स रॉन्ग। द प्रॉपर्टी कैन ईदर मूव और नॉन मूवेबल, मूवेबल हो सकती है नॉन मूवेबल, पेमेंट ऑफ ट्रांसफर भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी भी हो सकती है, गुड सर्विसेज भी हो सकते हैं और एक नॉर्मल थ्रेट भी हो सकता है, फ्रॉड थ्रेट भी हो सकता है। द प्रॉपर्टी इज अपटेन्ड बाय द पुटिंग पर्सन ऑफ स्टेट ऑफ फियर वेयर इज अ थ्रेट ऑफ इमिनेंट डेंजर टू हिज लाइफ।
यहाँ पे लाइफ का डेंजर होता है, फोर्स किया जाता है और कुछ भी हो सकता है। इट इंक्लूड्स डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी का भी इसमें इंटेंशनल हार्म है, डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो हेयर। देन इफ वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सट्रॉक्शन दैट इट इज अ ऑफेंस एंड पनिशमेंट इन द क्राइम एंड देन इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी टेकन विद कंसेंट एंड इफ पर्सन इंटेंशनली पुट अनदर पर्सन इन टू फियर एंड कॉज हिम इंजरी डिसाइसिवली पर्सुएड हिम सो दैट डिलीवर प्रॉपर्टी और एनी वैल्यूएबल गुड्स और एनी डॉक्यूमेंट एनी सिक्योरिटी हैव बीन साइंड कैन बी टर्न्ड इन अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एक्सटॉर्शन। सो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सटॉर्शन। थैंक यू so much.